इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पटना सिटी में आज विजयदशमी दशहरा के मौके पर बैठक की गई। इस बैठक में अपर अनुमंडल पुलिस अधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी, अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, फायर ब्रिगेड और भी अधिकारी बैठक में मौजूद थे। विजयदशमी दशहरा के मौके पर जगह जगह पुलिस कैंप, सीसीटीवी कैमरे और ठंडे पानी का इंतजाम रखा जाएगा। असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए ड्रोन का भी उपयोग लिया जाएगा। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। विजयदशमी दशहरा के अवसर पर किसी तरह का हथियार लेकर चलने को पकड़े जाने पर FIR और जेल होगा। किसी तरह का विजयदशमी दशहरा में तलवार लेकर चलना, बिना लाइसेंस के जुलूस लेकर चलना, किसी तरह का जानवर लेकर चलना, किसी तरह का कार्टून बनाना, 75% आवाज में साउंड बजाना, पंडालों में आग बुझाने का यंत्र व्यवस्था, CCTV कैमरे लगाना DG पर प्रतिबंध रहेगा। तेज ध्वनि पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। बिना लाइसेंस से जुलूस निकलने पर कमेटी के अध्यक्ष पर कार्यवाही की जाएगी। विजयदशमी दशहरा के मौके पर शांति समिति के सदस्य के साथ साथ कई समाज से भी मौजूद थे। ये केबू का काम हो जाएगा, केबू का काम होने पर पैसे कर रहे हैं और कुछ नहीं। तीसरी बात, काम किया बांधने के लिए महिला लोग जाती है तो उस पॉइंट पर महिला पुलिस बल की व्यवस्था होना चाहिए। मेरा अनुरोध है सर, सड़क सफाई की व्यवस्था तो होनी चाहिए, काफी है। जगह जगह पानी की टैंकर और दक्षिण बिहार से जाकर जहाँ भीड़ जगह है, जहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम होता है सर, चार रोज का पटना शहर में, मतलब एक भी पेशाब घर नहीं बना हुआ है नगर निगम की तरफ से, कि लोग बाहर से आपने की व्यवस्था कराएं सर। अभी ASP साहब और SDO साहब के आने के पहले कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा था, वो किसी को कोई डाउट है, डीजे वाला पॉइंट, पूजा समिति और शांति समिति, डीजे वाला पॉइंट है तो मेरे को क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, पति जागरण तो कई जगह पर कलाकार आते हैं, जैसे इस बार हम लोग यहाँ मंगल था, वहाँ पर है बात की गई गुंजन सिंह को बुलाया, तो अच्छे अच्छे कलाकार पिछली बार देवी आई थी। बात ये बता कि वो जब कलाकार वहाँ आते हैं तो उनके साथ उनका पूरा साउंड सिस्टम नहीं होता, तो उस अवस्था में अगर हम जब या कार्यकर्ता या आयोजक जब लाइसेंस लेंगे तो क्या उन्हें भी लाउड स्पीकर का ही लाइसेंस मिलेगा उस तरह के जागरण के लिए? उसी में वो उधर बढ़ती है। और अगर आपको ऐसा है कि वहाँ पे नहीं करवाना है, आपको किसी प्राइवेट हॉल या मान लीजिए उधर जो आपके जो हम लोग पटना सिटी एरिया वो सेंसिटिव भी मान लीजिए मान कर रहे हैं, आप इसके बाहर करवाना चाह रहे हैं तो बाहर करवा लीजिए। यहाँ अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल यहीं पे होता रहा है तो फिर वही गाइडलाइन होगी तो अभी हो रही है, कोई अलग नहीं होगा कि किसी को जो है पास जाए। आज जो शांति समिति की बैठक हुई है पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र में, उसमें हम लोगों ने थाना वाइज ऐसे सभी मुख्य स्थलों को चिन्हित कर लिया है जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ रिलेटिवली ज़्यादा रहेगी। तो हमने सभी ऐसे मुख्य मंदिर नोट डाउन कर लिए हैं, सभी ऐसे पंडालों का हम लोगों ने चिन्हीकरण कर लिया है। साथ ही हम लोगों को जो जिलाधिकारी महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो हम लोगों को लगातार गाइडलाइंस और निर्देश मिल रहे हैं वो हमें आगे यहाँ पर अपना सभी शांति समिति के सदस्यों द्वारा हमने आगे भी इस चीज़ को स्प्रेड किया है। जैसे DJ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, साथ ही जो पंडाल की हाइट है वो कितना होना चाहिए, और हमने साथ ही शांति समिति सदस्यों से वो सभी पॉइंट्स पूछे हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की इन लोगों को कोई अगर परेशानी या असुविधा होती है तो वो कैसी होती है, क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स पता चले हैं, जैसे बिजली के तार हो गए हैं उसको ठीक करवाना रहेगा, कहीं कहीं पे लैंप और लाइट स्ट्रीट लाइट तो लोगों को मरम्मती दुरुस्ती करवानी होगी, और कहीं पर सड़क का। तो अब से लेकर के लगातार हम और पुलिस प्रशासन हम लोग लगातार इसमें सक्रिय रहेंगे और सभी जो भी इशूज हैं उसको सॉल्व करेंगे और अपने सभी पर व्यवहार का सुचारू रूप से संचालन प्रति कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोग कृत्रिम तालाब का इधर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज,
देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।